हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी, और आज हम 12th क्लास से जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। और इस बात को प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, और उन दो साइंटिस्ट के नाम थे एल्फर्ड हर्शे एंड मार्था चेज, 1952 में। ये है हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने वायरस और बैक्टीरिया को लिया। वायरस बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को वो है इकोलाई, इस्चीरिया कोलाई। ये बैक्टीरिया होता है, इसको ये वायरस इन्फेक्ट करता है। तो इसने ये दो चीज ली। चलो अब इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया है, और इसको इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज वायरस। और वायरस में ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इसमें सिर्फ दो ही चीज होती है। पहली होती है प्रोटीन कोट, और दूसरा होता है इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इस बैक्टीरियोफेज में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, प्रोटीन कोट और जेनेटिक मटेरियल इसका ये है। ये वायरस है, ये हो गया प्रोटीन कोट, और ये हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। उसने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज को इकोलाई के साथ कल्चर कराया। दैट मीन बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई के अंदर एंटर किया, यानी कि इस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है उसने इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर एंटर किया। किसने एंटर किया, इस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल ने। अब इनको यही पता लगाना था कि इस वायरस में तो सिर्फ दो ही चीजें हैं, प्रोटीन कोट और डीएनए, यानी कि प्रोटीन है और डीएनए है। तो उन्हों उनको पता लगाना था कि इन दोनों में से एंटर किसने किया इसके अंदर, और जिसने अंदर एंटर किया वही जेनेटिक। तो इसको पता लगाने के लिए उसने क्या किया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए, इसको पता लगाने के लिए उसने क्या किया, दो कल्चर बनाए। इस कल्चर में उसने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, और इस कल्चर में उसने रेडियो एक्टिव सल्फर डाला। फिर उसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको कल्चर कराया। कल्चर कराने से उसे क्या देखने को मिला, उस वायरस में कल्चर किया और न्यू वायरसेस बनाए। जो नए वायरस बनाए उन नए वायरस में जो डीएनए था वो
रेडियोएक्टिव था, प्रोटीन नहीं था। वायरस को रेडियोएक्टिव वाले फास्फोरस में कल्चर कराया, कल्चर कराने से उस वायरस ने नए वायरस बनाए और नए वायरसेस में जो डीएनए था वो डीएनए रेडियो एक्टिव था, प्रोटीन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम डीएनए का बायोकेमिकल नेचर पढ़ चुके हैं कि डीएनए किस चीज का बना होता है। डीएनए में सल्फर नहीं होता, डीएनए में फास्फोरस होता है। तो जब इस वायरस से नए वायरस बने, तो नए वायरस बनने के लिए डीएनए भी नया बनेगा। तो नया डीएनए बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ, स्पेशली फास्फोरस, वो क्या था? रेडियोएक्टिव था। तो इसीलिए जो नया वायरस है, उस नए वायरस में जो डीएनए था वो कैसा हो गया? रेडियोएक्टिव। चलो, यहां पर कौन रेडियोएक्टिव होगा? सिंपल सी बात है, फास्फोरस हमने अभी बात की है डीएनए में नहीं होता, सल्फर डीएनए में नहीं होता, डीएनए में फास्फोरस होता है। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर था, उसमें वायरसेस को कल्चर कराया और कल्चर कराने से क्या देखने को मिला? जो नए वायरस थे, उन नए वायरस में रेडियो एक्टिव कौन था? प्रोटीन कोट। रेडियोएक्टिव कौन था? प्रोटीन कोट, डीएनए नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमने बात की कि डीएनए में क्या नहीं होता? सल्फर नहीं होता। क्या होता है? फास्फोरस होता है। उसी तरीके से प्रोटीन में भी फास्फोरस नहीं होता तो क्या होता है? सल्फर होता है। और हमने सल्फर को रेडियोएक्टिव किया था, तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जो चीज होगी वही रेडियोएक्टिव होगा। तो प्रोटीन में सल्फर था, तो प्रोटीन कोट जो है वो रेडियोएक्टिव हो गया। अब उसने क्या किया? इन रेडियोएक्टिव जो वायरसेस थे इनको बैक्टीरिया के साथ कल्चर कराया। कल्चर कराया। सबसे पहले तीन स्टेप में किया उसने। सबसे पहला इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन में वायरस और बैक्टीरिया को एक साथ कल्चर कराया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसमें क्या हुआ, वायरसेस जो है उसमें जो डीएनए है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट कर गया। दोनों में सेम होगा, क्योंकि जो डीएनए है वही बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो उसके बाद उसने दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग ने क्या कर दिया, जो खाली वायरस कोट था उसको बैक्टीरियल सेल से सेपरेट कर दिया। ब्लेंडिंग में सेपरेशन किया उसने, किसको? जो वायरस कोट थे उनको बैक्टीरिया से। दोनों में सेम ब्लेंडिंग की।
ब्लेंडिंग की, और तीसरा उसने जो स्टेप किया वो था सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरे स्टेप में उसने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन से उसे क्या देखने को मिला? सेंट्रीफ्यूगेशन से उसे ये देखने को मिला, जिस बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले वायरस के साथ इन्फेक्ट किया था, उस बैक्टीरिया के अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव डीएनए था, या ये कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ था, या बैक्टीरिया जो है वो रेडियो एक्टिव था। लेकिन जिस बैक्टीरिया को किस वायरस के साथ? रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ कल्चर कराया था, वो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव नहीं था, जो ये बात प्रूव करता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। कैसे? क्योंकि अंदर क्या गया? अंदर गया डीएनए, बाहर क्या रह गया? प्रोटीन कोड। पता कैसे लगा? क्योंकि दोनों रेडियो एक्टिव थे, जो अंदर गया वो शो कर गया, तो इसीलिए पता लगा कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। ये था हर्से और चेज का एक्सपेरिमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्से एंड चेज के नाम से आता है, एक्सप्लेन द हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट।